एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो लेट्स मेक मटर कचौड़ी। तो इसके लिए हम लेंगे एक बड़ा चम्मच सूखा धनिया, एक बड़ा चम्मच सौंफ, एक छोटा चम्मच जीरा। इन सब चीज़ों को पैन में डालकर ड्राई रोस्ट कर लेंगे, फिर इसको साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम एक पैन में लेंगे एक बड़ा चम्मच तेल। जब तेल गरम हो जाए हम इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच जीरा, एक छोटा चम्मच सौंफ, एक छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, 7 से 8 लहसुन की कली और 4 हरी मिर्च। फिर हम इसमें डालेंगे एक चुटकी हींग। फिर हम इसमें डालेंगे एक कप उबली हुई मटर। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें 1 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच काले मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर। इन सबको मिक्स कर लेंगे। फिर हम एक जार में हमारे रोस्टेड इंग्रेडिएंट्स ग्राइंड कर लेंगे। डो के लिए हम लेंगे एक कप गेहूं का आटा, एक कप मैदा, एक बड़ा चम्मच घी और एक छोटा चम्मच नमक। फिर हम आटे को हल्के हाथों से अच्छे से गूंद लेंगे। जब आपका डो रेडी हो जाए हम इसको साइड में रख देंगे रेस्ट के लिए 10 मिनट के लिए ढककर। इसी दौरान हम अपने मटर के मिक्सचर को मैश कर लेंगे। इसमें हम अपना एक छोटा चम्मच ड्राई रोस्ट इंग्रेडिएंट्स का डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें और थोड़ा सा नींबू का जूस और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। फिर मटर के मिक्सचर को साइड प्लेट में निकाल लेंगे और उसे ठंडा कर लेंगे। जब डो सेट हो जाए उसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे और ऐसे सर्कल करके उसमें मटर का मिक्सचर भर देंगे। मटर का मिक्सचर डालने के बाद इसे बंद कर देंगे एंड इसको हल्के हाथों से दबा देंगे। इसी तरह आप सारी अपनी कचौड़ी तैयार कर लें। फिर एक कढ़ाई लेकर कचौड़ी को हम डीप फ्राई कर लेंगे। कचौड़ी को लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लें ताकि वो अंदर तक पक जाए और जब इसका कलर गोल्डन हो जाए हम कचौड़ी को साइड में निकाल लेंगे। तो कचौड़ी को हम सर्व करेंगे आलू करी के साथ। तो लीजिए गाइस, बनकर तैयार है हमारी कचौड़ी। आप इसे एंजॉय करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो इफ यू वॉन्ट मोर वीडियोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।